वेलकम बैक टू माई चैनल मटकन वाइब, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, शॉपिंग हॉल्स के बारे में, अनादर कुछ ब्लॉग्स के बारे में। वैसे आजकल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कुछ शॉपिंग हॉल जो मेरे बहुत टाइम से पेंडिंग पड़े हैं और मैंने वो बिल्कुल भी शूट नहीं किए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स ही डाले हैं इस बार, तो मैं आप लोगों के साथ में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, सीरियसली गाइस आपने कभी नहीं देखा होगा गर्ल्स के लिए तो सीरियसली बहुत ही नया सा ये वीडियो है, क्योंकि उन्होंने सच में ही नहीं देखा होगा। ओनली मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ के चूड़ा दिखाऊंगी, जिसमें कुछ बैंगल्स हैं, कुछ कड़े हैं, कुछ क्रिस्टल कड़े हैं एंड कुछ मतलब ग्लास वाले कड़े हैं, तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगते हैं, आप उनको कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं। तो मैं वो आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास बहुत सारे हैं, तो क्यों मैंने सोचा यार मैं क्या ऐसा डिफरेंट बनाता है, कोई शॉपिंग हॉल करता है, कोई बैग कलेक्शन करता है, मैं भी करती हूँ पर्सनली, जैसे कि मीशो का हुआ, जिवामे का हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, हर तरह का करता है। लेकिन मैं आपको लोकल चूड़ा कलेक्शन दिखाऊंगी आज, और इसमें कुछ चूड़ा है, कुछ कड़े हैं, जिनको आप मिक्स एंड मैच करके आप हर तरह से अपने अकॉर्डिंग उसको चूड़े को और भी ज़्यादा स्टाइल बना सकते हैं। अगर मुझे टाइम मिला या आप लोगों ने मुझसे कहा, तो मैं पर्सनली आप लोगों के लिए चूड़ा वाला है कि मैचिंग वाला, जैसे कैसे आप मैचिंग करके इन चूड़ों को और भी ज़्यादा स्टाइलिश बना सकते हो, मैं वाला वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। बट आज मैं आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ के चूड़ा कलेक्शन ही दिखाऊंगी, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। सीरियसली गाइस, अगर कभी भी आपको ऐसी कहीं भी कोई चीज़ मिलती है ना, तो आपको डेफिनेटली वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपको उसमें कोई नुकसान नहीं है। आप उनको कैसे भी मिक्स एंड मैच करके उसको बहुत बड़ा चूड़ा बना सकते हो, कुछ भी कैसे भी पहन सकते हो साड़ी पर। पर्सनली किसी को पसंद होता है कि वो सिंगल सिंगल कड़े ही पहनना पसंद करते हैं, जैसे ऑफिस गोइंग्स जो वुमेंस होती हैं वो ज़्यादा चूड़ा नहीं पहन पाती, बड़ा नहीं पहनती, तो वो सिंगल सिंगल कड़े ही पहनना पसंद करती है। तो अगर आपको कुछ भी चीज़ ऐसी मिलती है लोकल मार्केट में, तो आप तुमको उनको बाय कर लेना चाहिए, उनको सोचना नहीं चाहिए। तो हम आज उन्हीं चूड़ा या उन्हीं कड़ा और उन्हीं बैंगल्स के बारे में वीडियो अच्छे लगते हैं मुझे पर्सनली, पता नहीं क्यों इंस्टा पे ही क्यों आप लोग मैसेज करते हो। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपको कोई वीडियो देखना हो या मेरा कोई भी ऐसा जो आपको अच्छा लगता है वो आप देखना चाहते हो, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है मुझे। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से चूड़ा हैं जो कि 20 रुपीज़ के हैं ओनली। तो देखिए ये सारे चूड़ा जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे चूड़ाज हैं, ये सारे मतलब 20 रुपीज़ के हैं, और भी बाकी हैं मैं दिखाती हूँ। ये वाला है एक पूरा, और एक ये वाला जो पूरा कड़ा कलेक्शन है वो पूरा 20 रुपीज़ का पेयर है। और मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने जस्ट अभी बाय किए हैं इसी टाइम, तो ये हैं ये सारे चूड़े, ये सारे ऐसे कड़ाज हैं जो कि सारे 20 रुपीज़ के हैं, और ये एक मैंने इसमें से पहन रखा, ये भी 20 रुपीज़, ओनली 20 रुपीज़ में आपको इतना अच्छा चूड़ा मिल जाता है, तो आपको डेफिनेटली बाय कर लेना चाहिए अगर आपको लोकल मार्केट में कहीं भी मिलता है तो, क्योंकि हम इनको किसी भी वे में स्टाइल कर अलग अलग जगह से लिया है। और ये बता दूँ, ये मैंने ऑनलाइन बाय नहीं किया है, ये लोकल मार्केट से हैं, जहाँ भी मतलब दुकानें बनी रहती है, जहाँ पे लोग बैठे रहते हैं वहाँ पे आपको सारी जगह मिल जाएंगी, और आपको मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, मुझे मिल जाए, मुझे भी मिले हैं, तो ऐसी बात है। आपको ग्लास वाले दिखा देती हूँ कि ग्लास वाले कौन से, ये देखिए एक ऐसा वाला है, ये 20 का है, एक ये ऐसा वाला कलर है, और ये दिखा रही हूँ आपको एक सेकेंड, ये देखिए ये इस तरह के प्रिंट्स में मैंने, और ये सारे ग्लास के हैं, इनका कुछ ख़राब नहीं होता है गाइस, मैंने तो बहुत टाइम पहले से भी इनका यूज़ किया हुआ है और अभी भी मैं इनका यूज़ कर रही हूँ। एक ये मैंने पहना हुआ, देखिए इसे जिग जग टाइप के पैटर्न में बना हुआ है, ये एक्स्ट्रा जिग जग टाइप में, तो एक ये वाला है जो मैंने पहना हुआ है, अभी पहना है 4-5 दिन में तभी से, और ये हैं ये सारे 20 रुपीज़ के हैं, और ये ग्लास मटेरियल के हैं, और आप इनके साथ में चूड़ियाँ मिक्स कर सकते हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ ग्लास मटेरियल में वो भी चूड़ा है मेरे पास, मतलब कड़ा है बस, ये वाला ऑप्शन है एक, आप ये वाला देख सकते हैं, ये भी ग्लास मटेरियल, इनमें आप इनको इसको मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो इस तरह से, और इसको आप ऐसे मिक्स एंड मैच करके भी पहन सकते हो, इसको आप ऐसे भी पहन सकते हो, आप इनको कैसे भी मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये सारे ही ऐसे ऑप्शनल रहते हैं, आप इनको ऐसे भी करके पहन सकते हो अगर आपको ज़्यादा पहनना चाहो तो, जैसे कि इसका मैच नहीं हुआ तो आप इसको ऐसे पहन सकते हो। ये देखिए मैं अधिकतर इनको इस तरह से ही पहनती हूँ, मुझे ऐसे ही पहनना पसंद है, तो आप लोग भी पहन सकते हो, डेफिनेटली बहुत अच्छे लगते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मतलब लड़कियाँ ही पहन सकती हैं, इनको मोस्टली गर्ल्स ज़्यादा वियर करती है, बट ऐसा नहीं है, कोई साड़ी पहनता है तो वो एक हाथ में सिंगल सी वॉच पहनना पसंद करता है, और एक हाथ में वो कड़ा या कुछ और ऐसा
ऐसा ऑप्शन पहनना पसंद करते हैं तो आप लोग ये वाला ट्राई कर सकते हैं। ऐसे यूनिक से ऑप्शन ट्राई करते रहना चाहिए जिससे हमको क्या ना बोरियत फील नहीं होती है। कहीं भी हम जाते हैं हमेशा तो एक ही जैसे हर चीज़ करते हैं तो हमको बोरियत सी लगती है, तो आपको वो बोरियत सी नहीं लगेगी, आप अपने आप को भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश सा फील करोगे। और ऑब्वियसली बात है यार, इंसान को स्टाइलिश सा फील करना ही चाहिए, उनको बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्टाइलिश रह के रहना। चूड़ा देखिए ये रेड कलर का, ये पूरा क्रिस्टल का है, आप देखिए ऐसे क्रिस्टल का है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा लगता है। ये आप सिंगल सिंगल पहनोगे तो भी बहुत सुंदर लगता है। मैं इनको सिंगल सिंगल ही पहने थे, मैंने अभी इनको मैंने चेंज कर दिए, मैंने ये वाले खोल के ये वाले पहन लिए, और ये मैं हमेशा पर्टिकुलर पहन ही रहती हूँ डेली। तो ये वाला ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, ये भी आपको 20 रुपीज़। ऐसे तो क्रिस्टल कड़ा बहुत महंगे आते हैं लेकिन ये मुझे बार्गेन करने पर भी। इसके बाद ये मेरे पास ये रेड कलर की चूड़ी है, ये प्लास्टिक है, आई डोंट नो प्लास्टिक है ग्लास है सारा, मतलब बहुत ही अच्छा सा, मतलब बहुत अच्छा मटेरियल, इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन ये हमेशा राजपूती में ज़्यादा लोग पहनते हैं इनको। आप अपने जो राजपूती चूड़ा होता है, उतार चढ़ाव वाला जो चूड़ा बोलते हैं, उनके आगे या बीच में कहीं भी लगा सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है उनके बीच में लगाएं, आप इनको सिंगल ऐसा यूज़ करके इनके बीच में आप मल्टी कोई चूड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्लेन सी चूड़ी यूज़ करके भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप इनको स्टाइल बना सकते हैं इनको मिक्स एंड मैच करके। तो ये है 20 रुपीज़ के चार। अब आप देखिएगा इस 20 रुपीज़ के मेरे पास चार ऑप्शन है ऐसे, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वुडन के, ये है मेरे पास वुडन के कड़ा, ये देखिए इनको मैं हमेशा कभी भी कोई भी स्कर्ट पहननी होती है या एथनिक जो ड्रेसेस होती है या लंबाई कुर्ती होती है, कोई साड़ी होती है या कोई उसके साथ में कोई सब ब्लाउज होता है, स्कर्ट होती है, तो उनके साथ में ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये वुडन के कड़ाज हैं मेरे पास में, तो मैं इनको भी एक एक अलग अलग करके ऐसे करके ऐसे कैसे भी करके इनको स्टाइल करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छे लगती हैं ये सारी चीज़ें, जबकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है ना गाइस कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी वीडियो शूट करना हो, कुछ रील्स बनानी हो, तो मैं इनको पैर मतलब मैं उनको वेयर कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। या कहीं जा रहे हो मार्केट वगैरह, मैं ऐसा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ती हूँ जहाँ मुझे पहनने पर मुझे जोर आए, मुझे बिल्कुल भी जोर नहीं आता है, मैं फटाफट से पहन लेती हूँ और बस आया और खोल लिया, ताकि शौक भी पूरा हो जाता है, चीज़ें यूज़ भी आ जाती है। अब ये रखे रखे पता नहीं क्या काम आएंगे, बट ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये वुडन के कड़ाज हैं जो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। कड़ा ये ऐसे वाइट, इसमें ऐसे नग लगे हुए हैं, देखिए ऐसे नग लगे हुए, ये भी मेरे को 20 रुपीज़ में ही मिले थे, 20 रुपीज़ का ही पैर है एक। तो ये है, आप इनको भी आप अपने किसी भी चूड़े के साथ में आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं, ये एडजस्ट हो जाएंगे इजीली। आप इनको सबसे लास्ट में भी लगा सकते हैं, बीच में लगा सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको बताऊंगी कि बस जैसे आप ऐसे इस तरह से ऐसे बंगड़ी की स्टाइल में ऐसे बना के भी आप इसका पेयर कर सकते हैं। देखिए कितना यूनिक सा, कितना सुंदर सा पीस लग रहा है। आप ऐसे इनको दोनों हाथों में वेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेम जो मैंने आपको व्हाइट कड़ा दिखाया था उसी का ही एक अलग सा पैर है। ये देखिए कुंदन कड़ा, ये एक ऐसा कुंदन कड़ा है, देखिए इस पर कुंदन के फ्लावर बने हुए हैं और ये सिल्क का है, ये भी सिल्क का है, पर ये ऐसा है कि उतार चढ़ाव वाले जो कड़ा जाते हैं ना राजपूती में, वो वाला कड़ा है। तो ये भी कुंदन वाले कड़ाज है जो मुझे बहुत पसंद आए थे, ओनली 20 रुपीज़ के। तो आप इनको भी मिक्स एंड मैच करके आगे पीछे कैसे भी करके। चूड़ी है जिसपे कलमकारी डिज़ाइन बनी हुई, ये देखिए, और इन पे ऐसे कुंदन का काम है, ये रेड ग्रीन रेड ऐसे, और उस पर प्रिंट बनी हुई है, और ये प्रिंट बिल्कुल भी जाएगी नहीं है आपकी। तो ये है एक, इसमें चार हैं तो ये मुझे मिली, ये भी 20 रुपीज़ का ही पूरा सेट है। उसके बाद ये एक कड़ा, ये देखिए ये क्रिस्टल टाइप का ही कड़ा है, ये वाला पहले वैसा ही है बट इस पर प्रिंट बनी हुई है, आप देखिए इस पर प्रिंट बनी हुई है, ये भी 20 रुपीज़ का है। तो आप इन दोनों को ऐसे मिक्स एंड मैच करके पहनोगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए एक हाथ में और दोनों हाथों में पहनना है तो आप इनको अलग अलग ऐसे भी पहन सकते हो, इनके बीच में और चूड़ियाँ मिक्स कर सकते हो। तो ये है एक, और ये बहुत ही सुंदर सा कलर है, ये देखिए बहुत सुंदर कलर है, और ये बहुत अच्छे लगते हैं पहनने के बाद में गाइस, सीरियसली एक एक अगर आप सिंगल यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। देखिए और इनको आप मिक्स एंड मैच करो तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। कॉफ़ी और मेहरून का कलर है ये भी बहुत सुंदर सा है, इसको भी आप सिंगल सिंगल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला चूड़ी, ये देखिए ग्रीन और पिंक कलर में है, ये ग्रीन एंड पिंक कलर में, देखिए इस तरह की सतरंगी टाइप चूड़ी जो होती है वो वाली है। तो आप इनका भी यूज मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकते हैं। बट बताओ 20 रुपीज़ में क्या बुरा है ये सेट, बताओ 20 रुपीज़ में आपको क्या ही मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। ये मेरे हाथ पर नेल पेंट लगी हुई है,
ये देखिए बहुत ही सुंदर सी चूड़ी है, कुंदन का सब पूरे पे कुंदन लगे हुए हैं। तो ये ओनली 20 रुपीज़ का है। ये देखिए है ये बहुत ही प्यारा सा येलो कलर, येलो एंड ब्लूइश ग्रीन कलर। ये देखिए ये भी 20 रुपीज़ का ही सेट है पूरा। अब आप इनके बीच में ये देखिए, ये दो हैंड के अपन मानते हैं, ठीक है, दो हैंड के। तो आप इसके बीच में आप कोई भी कड़ा चूड़ियाँ और मिक्स करके इसको बहुत बड़ा सेट बना सकते हो। बट ये 20 रुपीज़ में ओनली आपको इतनी सारी चूड़ी मिलती है, इसमें क्या हो रहा है ये बताओ। इसमें सब पे ऐसे बीच में जो साइड में इनके आगे पीछे की जो चूड़ी है उन पे ऐसे नग लगे हुए हैं। ये आप देखिए ऐसा, ये ऐसा इसका कलर है। ये देखिए सेम। तो ये वाला भी 20 रुपीज़ का मिला मुझे, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद में आपको दिखाती हूँ वाइट और रेड, वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन। इसमें पंजाबी चूड़े आते हैं जो बहुत बड़े बड़े आते हैं, मतलब बहुत ही बड़े बड़े सेट आते हैं। बट ये मैंने सिर्फ 20 रुपीज़ में इतना सेट लिया है। ये ऐसा बना हुआ था ऐसा, ये देखिए इस पे भी पूरे पे ऐसे कुंदन से लगा हुआ है। देखिए कुंदन का पूरा ऐसे अंदर ऐसे डायमंड लगे हुए हैं, वाइट स्टोन का पूरा वाइट स्टोन लगे हैं। और इस पे ये प्रिंट नहीं है, और आपको ये दिख रही नहीं, ये प्रिंट नहीं है, इस पे छापा हुआ बना हुआ, छाप के बनाया हुआ। ये देखिए इस तरह से। तो ये भी बहुत ही सुंदर सा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा लगता है। इनके बीच में भी आप मिक्स एंड मैच करके कैसे भी चूड़ी पहन सकते हैं अगर आपको पहनना हो तो। लेकिन अगर आपको सूट या वगैरह आप जैसे कोई सूट है और आप ज़्यादा नहीं पहनना चाहते तो आप सूट पे भी एक हाथ में भी सारी चूड़ियाँ यूज़ करके एक स्टाइल से लुक दे सकते हो। उसके बाद में है ये पिंक और वाइट। ये देखिए इसके इसमें भी ये स्टोन वाली चूड़ी है आगे पीछे लगाने के लिए। देखिए इसमें स्टोन लगे हुए हैं ऐसे, इस तरह से स्टोन लगा हुआ है। और ये है बीच में पिंकिश, ये बेबी पिंक कलर की चूड़ियाँ हैं इसके बीच में। इसके बीच में भी आप कैसे भी करके चूड़ियाँ मतलब कड़े या चूड़ियाँ मिक्स करके इसको बड़ा सेट बना सकते हो। ये आपको सेट मिलता है मतलब 1 2 3 4 5 6, इसमें प्लेन चूड़ी है वो 4 है और आगे पीछे वो 2 है, यानी कि 6 का एक हाथ में आपको सेट मिलता है, यानी कि एक दर्जन का पूरा सेट है ये 12 चूड़ी दोनों हाथ में, बट ये पूरा सेट बनाया हुआ है। इसके बीच में आप कड़े लगाकर इनको बड़ा सेट बना सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, प्राइस के अकॉर्डिंग यानी कि 20 रुपये के अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छी डील है, ठीक है गाइस। तो आप लोगों को अगर ऐसा कोई भी कभी भी ऑप्शन मिलता है तो आप ज़रूर बाय करना, आप नुकसान में नहीं। उसके बाद में बहुत ही सुंदर सी चूड़ी जो हमेशा ही ट्रेंड में रहती है, हमेशा ही इंडियन आउटफिट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, वो है ऐसी रेड कलर की चूड़ी। ये देखिए इसमें भी वही सेम चीज़ है, इसमें भी आप मिक्स एंड मैच करके इसको और बड़ा सेट बना सकते हो, बहुत बड़ा सेट बना सकते हो। अगर मेरे पास में होता तो मैं आपको बना के बता देती, पर मैं अभी भी खेलना नहीं चाहती इन चीज़ों को। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप इनके बीच में ऐसा कुछ लगा के बना सकते हो, मैं एक बना के बता देती हूँ आपको, ठीक है। एक सेकेंड है ना, इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, इससे आपको लगेगा कि आप नुकसान में नहीं हो बिल्कुल भी। तो ये देखिए, ये देखिए इस तरह से आप चूड़ियाँ मिक्स करके, अब इनके आगे पीछे आप और भी ज़्यादा कड़ा वगैरह यूज़ करके, जो कोई छोटा सेट हो आपका पहले का उसको यूज़ करके इसको और भी बड़ा बना सकते हो। मैंने तो अभी आपको ऐसे ही बताया है, और अगर मैं बताऊँगी बना के तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और मैं आपको लोगों को बिल्कुल भी बोर नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने आपको ये सब इतना शॉर्टली बताया है। और ये सारे मेरे जो कूड़ा हैं, ये कड़े हैं, ये सारे ओनली 20 रुपीज़ के हैं। ओनली ऑन 20 रुपीज़ में आपको इतने अच्छे चूड़ा मिल रहे हैं और कड़ा मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी डील है। ऑब्वियसली बात है गाइज, आपको ले लेनी चाहिए, और आप जरूर 20 रुपीज़ का चूड़ा कलेक्शन था। आई होप आपको ये चूड़ा कलेक्शन अच्छा लगेगा एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हो और आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। बाय बाय guys।